देवास जिले के नवोदय विद्यालय पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पढ़ाई करने वाला कक्षा 10वीं का छात्र पिछले 4 दिनों से लापता है। देवास के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला कक्षा 10वीं का छात्र विनय सोलंकी पिछले 4 दिनों से लापता है। छात्र की गुमशुदगी के मामले में शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा के साथ परिवारजन देवास पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। गुमशुदा के पिता ने बताया कि बीते 4 दिनों से उनका बेटा गायब है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। परिवार ने मांग की है कि उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करवाई जाए, जिससे जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढा जा सके। वहीं शिवसेना ने नवोदय विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल में इस प्रकार छात्र का गायब हो जाना चिंता का विषय है। इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। चंद्रकेश्वर में स्थित शासकीय नवोदय विद्यालय है। ये बालक 31 तारीख को रात्रि 10 बजे वहाँ से गायब हो गया, यानी कि गुमशुदा हो चुका है। परिवारजनों को वहाँ के हॉस्टल, वहाँ के प्रशासन के द्वारा सुबह 1 तारीख को सूचना दी जाती है कि आपका बच्चा आपके घर आया है क्या। तो परिवारजनों को एकदम धक्का लगता है कि यार ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि उनको पता चला कि भैया हमारे यहाँ तो नहीं आया। वहाँ के तत्काल परिवारजन वहाँ हॉस्टल में पहुँचा, वहाँ की सारी गतिविधियों को देखा, तो उनको लगा कि भैया कि हमारा बच्चा वास्तविकता में कहीं चला गया है। तो सभी लोग वहाँ से थाने पर FIR दर्ज कराने के लिए गए। FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी जो वास्तविक जानकारी वो वहाँ से नहीं मिल पा रही कि वास्तविकता 3 से 4 दिन हो जाए। उनकी माता जी परेशान है, उनको बहुत, पिताजी भी बिल्कुल, आज 4 दिन हो गए वो थाने पे, लेकिन वास्तविकता में इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एक जांच दल इसमें लगना चाहिए था, क्योंकि बड़ी शासकीय वो है स्कूल है ये, और ऐसी लापरवाही होना बहुत ही ज्यादा दयनीय है। आज बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।